अमित शाह बोले केसीआर का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना। तेलंगाना में कहा उनकी पार्टी का सिंबल एम्बेसडर गाड़ी, लेकिन स्टीयरिंग ओबीसी के हाथ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केसीआर का चुनाव चिन्ह एम्बेसडर गाड़ी है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग ओबीसी के हाथ में है। क्या आप यहां मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार चाहते हैं? केसीआर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। भाजपा का लक्ष्य है हर युवा को रोजगार देना, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। उन्होंने कहा कि कल चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग की घोषणा की। क्या आप तेलंगाना में फिर से केसीआर सरकार को लाना चाहते हो? आपकी आवाज बताती है कि 3 दिसंबर को यहां मोदी सरकार बन रही है। अमित शाह ने 10 अक्टूबर को तेलंगाना के आदिलाबाद में जनगर्जना रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मैं छोटा था तब यहाँ आया था तो कोमाराम भीम का नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ये वही भूमि है जिसमें आजादी के लिए 2 लड़ाइयां लड़ी। देश ने सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन तेलंगाना पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फिर निजामों से। हाल ही में मोदी जी तेलंगाना यहाँ आए थे, उन्होंने 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी यहाँ सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन केसीआर इसे बनने नहीं दे रहे थे। अब मोदी सरकार 950 करोड़ की लागत से यह यूनिवर्सिटी बना रही है। केसीआर तेलंगाना में बोगला प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने राज्य को नंबर 1 बना दिया। हाँ बिल्कुल बना दिया, रोजगार में ना, घरों में पानी पहुंचाने में नहीं। किसानों की आत्महत्या के मामलों में तेलंगाना नंबर 1 पर बन गया है। महिलाओं और बच्चों से अपराध के मामले में तेलंगाना नंबर 1 बन गया है। आप सभी ने 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान पीएम मोदी जी पर बहुत प्यार बरसाया है। अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन सरकार बने। मुझे यकीन है कि आप बीजेपी को जिताएंगे, पीएम मोदी को जिताएंगे। डबल इंजन सरकार का मतलब है नीचे भी मोदी, ऊपर भी मोदी। डबल इंजन सरकार का मतलब है विकास और विकास। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।